आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एम ऑन पॉलिंग स्केल इज 3 इन ऑल द नाइट्रोजन कंपाउंड्स? तो देखो यहाँ पे अपने को पता है कि जो EN होती है किसी भी एटम की वो क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। तो जो यहाँ पे अपने को बोला गया है कि द EN ऑफ N ऑन पॉलिंग स्केल इज 3 to 0 जो अपने को दिया है इन ऑल नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज नॉट करेक्ट। ये स्टेटमेंट जो होगा ये क्या होगा, नॉट करेक्ट होगा। ठीक, करेक्ट होगा तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट नहीं रहने वाला, करेक्ट नहीं होगा। तो EN वेरीज विद द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट एंड द नंबर एंड नेचर ऑफ सब्सटीट्यूटेंट HS टू इट। मतलब क्या हुआ कि EN वेरीज करता है इसके स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे, हाइब्रिडाइजेशन और की ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे वेरी करता है। जैसे जैसे इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स और ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज रहने वाली हैं उसके साथ EN की वैल्यूज भी चेंज होंगी। तो यहाँ पे अपन पहले लिख देते हैं कि EN वेरीज विद द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ठीक एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट एंड द नंबर एंड नेचर ऑफ सब्सटीट्यूटेंट ठीक अटैच्ड टू इट और उससे जुड़ने वाले सब्सटीट्यूएंट्स अटैच जो हो रहे हैं उसके नेचर्स पे भी डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे अपन देखें तो EN जो होता है EN इंक्रीज एज अ परसेंटेज ऑफ S करेक्टर ऑफ द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इंक्रीज और द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज। मतलब EN इंक्रीज होता है अगर S के परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, दोनों के लिए EN की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब कि EN ऑफ N इंक्रीज, जो N का EN होगा वो इंक्रीज होगा। कैसे, कब इंक्रीज होगा, एज वी मूव, अपन लोग अगर मूव करते हैं फ्रॉम sp3 से sp2 और hybrid ऑर्बिटल की तरफ। ठीक, क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर्स बढ़ेंगे जिसके कारण EN की वैल्यू भी बढ़ेगी, hybrid ऑर्बिटल डन। और अगर यहाँ पे, ये तो पहला रीजन हो गया कि S के क्या होते हैं, S कैरेक्टर्स बढ़ते हैं तो EN की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द परसेंटेज द EN इंक्रीज द EN इंक्रीज इंक्रीजेस एज द परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ठीक ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज ठीक हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस। तो ये इसका हो गया। और दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर क्या हो रहा है, एलिमेंट का इंक्रीज हो रहा है तब भी EN क्या होता है, इंक्रीज होता है। EN ऑल्सो इंक्रीज EN इंक्रीजेस ठीक व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज ठीक इंक्रीजेस। तो मतलब क्या हुआ, अगर अपन समझते हैं कि अपन जैसे NO2 में हैं, अगर NO2 अपना बनता है तो NO2 में N का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है, +4 ठीक। और अगर अपने पास NO है, NO तो इसमें रहने वाला है +2। और अगर अपने पास क्या है, N2O है तो N2O में रहने वाला है +1N। तो अगर इनके लिए हम लोग क्या EN लिखेंगे तो EN ऑफ N इन इसमें क्या हो जाएगा, NO2 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर NO का ज़्यादा होगा, फिर
N2O का ज्यादा होने वाला है, क्योंकि द ईएन ऑफ एन इन एनओ टू वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन इज प्लस फोर इज हायर देन एनओ टू, ठीक, एनओ क्योंकि यहाँ पे प्लस टू है और यहाँ पे प्लस वन है, तो इसका ईएन सबसे ज्यादा होगा। तो ईएन क्या है कि ईएन एक तो क्या है अपना कांस्टेंट नहीं है रहता किसी के लिए, वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है और दूसरा उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे, उनसे जुड़ने वाले एलिमेंट्स के। डन।